हमारे पास मोटो ब्लॉगिंग के लिए गोप्रो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम 5000 का अडॉप्टर नहीं ले सकते, हम ये नहीं ले सकते। तो भैया एक चीज बताऊं, ये फोन है ना आपके पास, अब इसी से गोप्रो वाली क्वालिटी आएगी, वाइड एंगल भी आएगा, क्योंकि यार सब लोगों के पास आज के डेट में सब लोग मोबाइल खरीदते खरीदते और अब लगभग हर मोबाइल में ना वाइड एंगल कैमरा आने लगा है। नहीं भैया वाइड एंगल तो कैमरा तो है ही, एटलीस्ट तो वाइड एंगल कैमरा इसके अंदर है। तो आज हम बनाएंगे अपने हेलमेट पे प्रोफेशनल मोटो व्लॉगिंग फोन सेटअप, कि जैसे प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर कोई जुगाड़ नहीं, कोई टेप नहीं, कोई कुछ नहीं, और प्रॉपरली आप एंगल भी एडजस्ट कर पाओगे उसके अंदर, माइक भी प्रॉपर यूज होगा, जैसे खटर 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 की आवाज भी नहीं आएगी एंड प्रॉपर एंगल से वो होगा। तो रेडी हो, लाइक कर दो, पर उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जल्दी से जाके। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज, 10.4 के फॉलोवर्स हो चुके हैं वहां पे, 5 के एंड मेक इट 11 के एंड देन 100 के। तो जल्दी आओ फॉलो करो फटाफट, और बात करते हैं वहाँ पर भी, कुछ भी क्वेश्चंस हो आओ यार, कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे, तो अपना ऐसा मामला फिक्स एंड फाइन है। तो फटाफट से इस टेबल पर पहुँचते हैं, इस टेबल पर सारा सेटअप करेंगे, और अभी मेरी शक्ल नहीं, अब आपको हेलमेट दिखेगा। सो गाइस, ये है अपना स्टड्स का हेलमेट जिसपे हम प्रॉपरली माउंट करने वाले हैं। ये मेरा बहुत पुराना हेलमेट है, मतलब लाइक मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है वैसे तो, और ना होनी चाहिए यार। आई लव दिस हेलमेट बिकॉज बहुत साथ दिया है इसने मेरा, बहुत टूटा फूटा हूँ मैं। बहुत बढ़िया हेलमेट है, आई थिंक 1600 या 2000 रुपये के आसपास का हेलमेट था, मुझे बहुत पसंद आया, पर थोड़ा सा हैवी है। फ्यूचर में जब कोई बाइक वाइक लूँगा, अभी तो स्कूटी चलाता हूँ एंड देन स्कूटी पे मैं मोटो व्लॉग करने की सोच रहा हूँ अभी, बट ये मेरा कुत्ता लेटा हुआ है, इसको यार इग्नोर इट प्लीज़। और ये इस पर माउंट करते हैं, क्योंकि यार ये ना मेरी बात नहीं सुनता है यार, ये कभी नहीं सुनता है। ये मान तो 12 साल का हो गया है, बट देन ठीक है ना, बात तो सुननी चाहिए, दूध देता हूँ यार इसे रोज में 1 किलो, मोटा हो गया है। और तो ये इसको साइड रखते हुए पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की। सब चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब हर एक चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये पहले हमें चाहिए ये वाला माउंट, यार देखो मैं, पहले हमें चाहिए ये वाला माउंट। ये वाला जो माउंट है ना, एक्चुअली ये लगेगा अपने हेलमेट पे, ये अपने हेलमेट का ऐसे करके लग जाएगा। तो जो ये जो टोटल ये बजट होने वाला है ना, टोटल इन सब चीज़ों का, ये होने वाला 1000 से 1500 रुपए के बीच में आपका प्रॉपरली सेटअप बन जाएगा। क्योंकि यार देखो, सब लोग कहते हैं कि यार नहीं, पैसे नहीं है, 30,000 रुपये का GoPro नहीं खरीद सकते, 10,000 रुपये SD कैम नहीं खरीद सकते। भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम खरीदो जाके 15,000 रुपये, पर तुम एटलीस्ट 1500 रुपये तो लगाओगे, क्योंकि यार तुम्हें कुछ भी चाहिए। देखो जुगाड़ तो फिर जुगाड़ है, वो जुगाड़ से तुम्हारा कुछ होना नहीं, और जुगाड़ में पैसे लगेंगे ही। तो इससे बढ़िया 10-15 दिन रुक जाओ, 100 रुपये भी एक दिन के करोगे तो 1500 रुपये हो जाएंगे, और 1500 रुपये में अच्छा से एक सेटअप आ जाएगा, 1500 से कम में आ जाएगा बल्कि, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहले ये है, ये अपना आता है 300-400 रुपये का, कुछ ऐसा ही आता है। ये लगेगा यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है ना, इसके अंदर आपका हेलमेट ख़राब नहीं होगा। हेलमेट क्यों नहीं ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लगाना नहीं है, ये सीधा पट्टी जो है ये ऐसे करके अंदर ऐसे ऐसे करके फिक्स हो जाएगी, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। पहले इसे फिक्स कर लें या फिर और चीज़ें दिखा दें, पहले और चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फिर अपने अपने को जरूरत पड़ेगा ये जे माउंट। तो ये जे माउंट इसी के साथ आ जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये जे माउंट इसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जे माउंट ये रहा, जे माउंट ये देख लो पीछे की तरफ से, ये जे माउंट है, हाँ ये ऐसा। और फिर ये जो है ना, ये जो सेटअप है, ये है अपना फ़ोन माउंट। अब फ़ोन माउंट मैंने ऐसा वाला क्यों लिया, क्योंकि यार देखो फ़ोन ना भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि तुम फ़ोन से सब, जो भाई फ़ोन से ही ब्लॉक कर रहा है ना, उसके लिए सब कुछ फ़ोन ही है फिर। तो फ़ोन ये बहुत टाइट ग्रिप देगा फ़ोन को, फ़ोन से गिरेगा नहीं, मैं लगा के दिखाऊंगा कितनी टाइट ग्रिप देगा, पर बहुत टाइट ग्रिप दे देता है, जिससे आपका फ़ोन गिरना तो इम्पॉसिबल, मतलब 100 में से 90% तो नहीं गिरेगा, और 99% भी नहीं गिरेगा, 1% कहीं आप भाई बहुत टट्टी जगह एक्सीडेंट हो गया आपका तो फिर गिर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है फिर तो, फिर तो आप ही बच जाओ, बहुत बड़ी बात है। फ़ोन तो बहुत टट्टी चीज़ है, तो टट्टी हो जाए। ये है फिर अपना फ़ोन का वोटिंग सेटअप। और इसके नीचे ना एक ये पॉइंट लग रहा है, ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है, ये पॉइंट है ये वाला जो देख रहे हो ना, ये जो इसको और इस जे माउंट को कनेक्ट कर रहा है, इसकी फोटो यहाँ पॉपअप हो जाएगी, पॉपअप हो जाएगी, और इसका लिंक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगे, ठीक है। नाम एक एक नाम कर करके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ये लगेगा। फिर उसके बाद अपने पास ना यार, अपन लोग यूट्यूबर लोग ना ये बोया का माइक रखते ही हैं, तो
तो मैं तुम्हें ये, अगर तुम नया माइक ले रहे हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा तुम ये बोया का माइक लो, क्योंकि इस बोया की माइक की 700 रुपये वैल्यू है। और ये इतना बड़ा माइक है ना कि तुम्हें माइक के हेलमेट पे माउंट पे ऐसा लपेटना पड़ेगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, टट्टी वाली बात है। 200 या 300 रुपये का जो माइक आता है वो इनफ क्वालिटी ऑफ साउंड दे देता है, तो तुम वो भी जाके ले सकते हो। 200-300 रुपये बहुत बढ़िया माइक होगा, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी देगा। तो ये माइक है। अब देन अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस रस्सी को अपन लोग क्या है ना, अपन लोग जोशीले ब्लॉगर है, जोशीले। तो अब ये ऐसा हो गया, अब इसको हम यहाँ डालेंगे यहाँ। तो अब ये क्या करेंगे, जो ये वाली बेल्ट है ना, इस वाली बेल्ट को यहाँ लेके जाएंगे, इन दोनों बेल्टों को, और फिर ये एक एक जो करके स्ट्रिंगली है ना, ये एक एक ये, इन दोनों को एक एक करके इसके अंदर अटैच कर देंगे। अब आपका मन है कि आप कैसे अटैच करो, बट देन मेरा तो भैया ये तरीका, ये डाला पट्ट से हेडशॉट अंदर और पट्ट से हेडशॉट बाहर। ठीक है, इसको भी टाइट करना है, टाइट पहले बाद में होता है, पहले फिक्स करना पड़ता है अपने को ये। पहले फिक्स करो फिर टाइट, धीरे धीरे आप अपने बेल्ट खींच के अपने आप कर लोगे टाइट। इतना तो मुझे पता है कि पब्लिक शानदार है आजकल की, और इंडियन लोग है, इंडियन लोग जुगाड़ बिठाने में माहिर होते हैं। जब यार आप ये फ़ोन वाला सिस्टम देख ही रहे हो ना, तो मतलब आप जुगाड़ बिठाने में माहिर हो यार। पसीना ना, एक तो ये वीडियो बनाते वक्त ना फ़ैन बंद करना पड़ जाता है, एसी बंद करना पड़ जाता है, इतनी शोर होती है ना, तो उस वजह। अरे भैया कहाँ कहाँ, यहाँ भैया यहाँ लगना है। हाँ ये देखो, ये कर दिया टाइट, एंड इस वाले को भी खोल के टाइट करेंगे, ये कर दिया टाइट, तो अब क्या हो गया, फिक्स मामला। ठीक है, अब ये कहीं नहीं हिलेगा, तो मैं और टाइट करना था, धीरे धीरे कर खींच खींच के तुम इसे टाइट कर सकते हो। तो ये हो गया माउंट, देखो ना पूरा हेलमेट उठा लिया इसने, इस माउंट ने अपने बल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माउंट में अब हमें क्या करना है ना, कि मैंने तो ये जो जे माउंट है ना, देखो मैं ना उस चीज़ पे भरोसा नहीं करता यार, वो जो एक वो नट सा आता है ना, वो नट कभी भी टूट के गिर सकता है, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ना जे माउंट जो कनेक्ट हो रहा है ना, और ये जो चीज़ कनेक्ट हो रखी है, इसकी फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाएगी, फिर पॉपअप कर दूंगा। इन दोनों को ऐसे ये ऐसे करके फिक्स करके ना, जैसे ये देख रहे हो ना, ये प्रॉपरली देख लो आप, यहाँ पे इसको मैंने फिक्स करके फेविक ठूस दी, भर दी, इसके अंदर भर दी, फेविक में कंजूसी होती है ना, पूरी डाल ना फेविक भर भर के। ठीक है, तो फेविक डाल दी और ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया। अब ये नीचे से ना यहाँ से टाइट हो जाता है, मामला पूरा टाइट है। और अब मैं क्या करूँगा, जे माउंट को ये अपन क्या है यहाँ हिस्सा करके, बस ये फिक्स, अब ये कहीं नहीं लेगा, और ये पूरे हेलमेट का जोर बड़ी आसानी से उठा लेगा, ये देखो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं दादा। ये टाइट करते रहो, पर एक बात हमेशा चेक करते रहना टाइम टू टाइम, कि आपका ये जो पट्टा है ना, ये वाला जो पट्टा है, ये हमेशा टाइट रहे, ये हमेशा टाइट रहना चाहिए, लूज हो जाएगा तो दिक्कत होगी, पर हमेशा टाइट रहना चाहिए। ठीक है, और आप चाहो तो यार यहाँ पे फेविक्विक भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस हेलमेट और यहाँ के बीच में ना थोड़ी सी फेविक्विक ठूस दो, थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, पर मैं नहीं ठूसना चाहता, क्योंकि आई डोंट हैव टू क्रिएट अ मेस। ओके, एंड देन अगर हम अपना इसमें फ़ोन लाएं, तो आप छोटा सा सिंपल सा टास्क है, क्या करना है अपने को, कि ये जो फ़ोन है यहाँ लगा देना है आपको। अगर इस वाले पार्ट को अपने को फ्री रखना है, क्योंकि ये माइक्रोफोन का पार्ट है, ये वाला जो है ना, इसे ऐसे लगाना कि ये यहाँ जाए और ये माइक्रोफोन वाला पार्ट को यहाँ बाहर ही रहे। और ये देखो, पूरे फ़ोन ने बाहर उठा लिया, ये देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अपने इसको तो बाहर भी नहीं उठाना है, इसको तो बस ऐसे रखना है अपने को। अब ये क्या रेडी है, अब अपने को क्या करना है, वॉइस, मेन चीज है वॉइस। तो कई लोग कहते हैं कि यार फोन के लिए क्या करो, कि एक कॉलर में माइक लगा लो और अलग से वॉइस रिकॉर्ड कर लो। मैं नहीं कहूँगा, तुम जो एक्शन कर रहे हो वहीं पर वॉइस होनी चाहिए हमेशा, तो ये वॉइस यहीं पर लगेगी। अब अपन लोग क्या करेंगे कि इस तार को ऐसा करके बड़ा करके खोल दिया, ये बड़ा करके खोल दिया भाई, खोल दिया खोल जा भाई, बहुत क्रिएट मैस क्रिएट करता है। मैं तुम्हें 200 रुपये वाले का सजेस्ट करूँगा, लिंक पॉपअप होगा नीचे लिंक मिल जाएगा तुम्हें, और कोई भी एफिलेट लिंक नहीं है, मुझे एक रुपया नहीं मिलने वाला। तुम दे सकते हो मुझे पेटीएम पे पैसे, तो दे दो यार, थोड़े से पैसे कमा के मैं भी गोप्रो ले लूँ। ठीक है,
तुम चाहो तो दे दो, और वरना नहीं देना चाहता है तो तुम पैसा नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं, बस इस वीडियो को शेयर कर दो तो मुझे YouTube से पैसा मिल जाएगा जितना मैं GoPro खरीद लूँ। ठीक है, अब ये तार सुलझ गया, तो अपने को क्या करना है कि अब इस तार को, ये बड़ा मेरा तो बड़ा तार है, तुम्हारा तो बहुत छोटा तार है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरे को दिक्कत होती है, तो मेरे को क्या करना है। अब मेरे को ये भी पता है कि मुझे भी क्या करना है, अपने को सब पता है कि अपने को करना क्या है, एक्चुअली में अपने को सब पता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तार लगाई, और अब मैं क्या करूँगा ना, इसके सेटअप के बदले यहाँ, अब मैं कार तो कहीं अंदर छुपा नहीं सकता हूँ, तो मैंने हल्की सी जगह यहाँ पे छोड़ी और तार लपेटना शुरू कर दिया। अब बस तुम्हें इसमें इतनी जगह छोड़नी है कि ये जो है नीचे से अंदर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, अंदर पहुंच जाए। तो अब हम इसे कहाँ फिक्स करेंगे, देखो यार, मैं ये जो तुम देखोगे ना, मैं यहाँ पे इसे ना इस एरिया में यहाँ पर कहीं फिक्स करूँगा, एंड लाइक कुछ फिक्स करने का तरीका नहीं है, बस ये ऐसे वहीं से करके लग जाएगा ये, वरना अनबॉक्सिंग भी ज़रूर करता। और ये मेरा खुद का दिमाग लगाया, अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने प्रॉपरली नहीं इसके ऊपर काम करा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, होप सो आई एम करेक्ट, और अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कर दो। तो अब मैंने ये माइक लगाने का, यहाँ लगाने का रीज़न क्या है, ठीक है, तुम लोग ना इस माइक को यहाँ लगा के ना, या तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगाने का रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ लगाने का रीज़न ये है। तो ये ना यहाँ पे लगाने का बहुत बड़ा रीज़न है, ये माइक को यहाँ पे लगाने का, तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे इस बेल्ट के पास लगाने का बहुत बड़ा रीज़न है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्यों। ये देखो, तुम्हें दिख रहा है, मैंने यहाँ पे माइक लगा रखा है, ये देखो यहाँ पे माइक लगा रखा है ना, ये जो माइक लगा रखा है, ये माइक यहाँ पे लगाने का ये रीज़न है कि जो हवा है ना, वो हवा इस एरिया में नहीं आएगी, क्योंकि इसको कवर कर लिया है इसने, तो हवा नहीं आने देनी, तो हवा ना आने के लिए मैंने माइक लगा दिया यहाँ, और ये माइक रहेगा मुंह के पास, तो हम जो धीरे से धीरे जो चीज़ बोले हैं ना, ये बोलेगा माइक इतना सेंसिटिव है, सब कैच करेगा, तो भाई बच के रहना मोटो व्लॉगिंग के वक्त, थोड़ा सेंसिटिव माइक है, अच्छा है माइक है। तो अपना सेटअप कुछ ऐसा हो गया, अभी से बाहर टेस्ट करेंगे, साला गर्मी के मारे पसीना पसीना हो गया, और देख लो भाई वीडियो बनाते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अब तुम इसको लाइक भी नहीं करोगे तो फिर गलत बात है ना, तुम्हें लाइक तो करना पड़ेगा। तो अब ये मोटो व्लॉगिंग का अपना सेटअप तो तैयार हो चुका है, सेटअप तैयार हो चुका है, तो अब इसको बाहर टेस्ट करने चलते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले से शूट करके रखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि मैंने पहले से बना लिया था, तो अब तुम देख लो कितना बढ़िया इसका क्वालिटी आ रहा है, कितना बढ़िया क्या आ रहा है, और इसको वीडियो तक मैं डाल दूंगा फटाफट से, तुम लोग देख के फिर मंगवाना, अपना सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जाके चेकआउट कर लो। और भाई सबसे पहला लिंक किस चीज़ का है, सबसे पहला लिंक है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो, बात करते हैं, मौज करते हैं, तबाही करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तबाही। तो आओ बात करते हैं, और तुम लोग सड़क देखते हो, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो भैया ये हो गई है, हैं? चलो चले, हाँ चलते हैं, गाली लाउड है, अरे बीप करने की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ यार कैसा है, मतलब मेरे को ना वॉइस चेक करनी है, मैंने बोया वाला माइक तो लगाया है, अब थोड़ी सी ना हवा ना आए तो बच जाऊँगा, हवा आ गई ना तो दिक्कत है, चेक कर नहीं चल रहा, चलो एंगल तो सही लग रहा है, एंगल तो सही लग रहा है, किधर से, ठीक है, तो नेव सराय से चलते ना, इधर बड़ा लंबा कट लेके जाना क्यों है, सीधे चल लो। एक वही तो स्कूटी है मेरे जीवन में जिसे मैं चला रहा हूँ, ये मारा थोड़ा सा कट एंड आगे की तरफ। ओ भाई
भाई होप से बढ़िया काम कर रहा हूँ, अगर ये बढ़िया काम करेगा ना भाई तो बेस्ट हम बेस्ट है अपने लिए। तो भैया आपने देख लिए बाहर वाली वीडियो, और बाहर वाली वीडियो भी मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, और मुझे तो काफ़ी हद तक सही लगा है। थोड़ी सी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी अभी इसमें, प्लेसमेंट मैं बार बार सही करता रहूँगा इसकी, जो कि सूटेबल लगे। प्लेसमेंट तो आप कुछ भी कर सकते हो, फोन को हल्का सा इधर कर लो, फोन को हल्का सा उधर कर लो, और थोड़ा सा एडिटिंग में भी आपको इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि जो GoPro का कैमरा होता है ना वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, बिल्कुल वो जो प्रॉपरली कैच करता है, इतनी छोटी सी एरिया है, फोन इतना बड़ा है और उसका कैमरा बिल्कुल एक साइड है, तो एक साइड पर फोन में थोड़ा सा हैवी की तरफ दिखता है, मतलब एक साइड का ज़्यादा दिखता है और एक साइड का कम दिखता है, तो हमें उसे थोड़ा सा एडिटिंग में सही करना होता है, थोड़ा सा फिक्स बीच में ले आओ हल्का सा स्क्रीन को, एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा होगा थोड़ा सा पहले मैंने रॉ डाला है एंड देन मैंने उसके बाद थोड़ा सा एडिटेड डाला है, ठीक है। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो कितनी प्रॉपरली हर एक चीज़ फिट हो गई है, माइक वहाँ अंदर फिट हो गया है एंड फोन पूरा फिट हो गया है, फोन का निकलने का कोई चांसेज नहीं है, तो प्रॉपरली फिट हो गया सब कुछ। एंड ये मेरा वाइड एंगल कैमरा है, इस वाइड एंगल से मेरे को सब कुछ दिखेगा और आप लोगों को भी सब कुछ दिखेगा, तो अगली बार से आप समझ गए हो कि मोटो व्लॉग्स आने वाले हैं फटाफट से, क्या मोटो व्लॉग्स आने वाले हैं, तो देख लो भाई देख लो। एंड कोई मिरर बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं, मिरर बंद हो जाता है, पूरा मिरर बंद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सबको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, लाइक कर दो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में जल्दी ही। वीडियोस डाल रहा हूँ, रेगुलरली डाल रहा हूँ यार, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी 5,000 होने में बस 100 सब्सक्राइबर से भी कम रह गए हैं, ठीक है अपने को, तो Q&A बना रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लो अगर कोई पूछना है तो, 5,000 पे Q&A बनाऊंगा, ठीक है, होप सो 20-25 क्वेश्चन तो ढंग के हो ही जाए। बाय बाय, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।